गोकू के पावर्स को सेंस करके ग्रैंड प्रीस बहुत शॉक्ड रह जाता है। ग्रैंड प्रीस सोचता है ये ताकत बहुत ज्यादा है, लेकिन आखिर ये किसकी है? ज़ेनोसामा शायद इसी को देखने के लिए गए हैं। ज़ेनोसामा ने मुझे उन्हें फॉलो करने से मना किया है, लेकिन मुझे उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उनके पास जाना ही होगा। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। गोकू फ्यूजन से कहता है तैयार हो जाओ मेरे ट्रू पावर्स का सामना करने के लिए। फ्यूजन कहता है तुम्हें क्या लगता है सैयन, हम डर जाएंगे? तुम्हें हम हमेशा याद रखेंगे। तुम्हारी वजह से हम सभी गॉड्स को फ्यूज करना पड़ा। ये बहुत बड़ा इंसल्ट है गॉड्स के लिए। फिर गोकू कहता है लगता है तुम लोगों ने मुझे कुछ ज्यादा ही नजरअंदाज कर दिया है। तुम्हारा सबसे ताकतवर हमला भी मुझे मार नहीं पाया। ये सुन के फ्यूजन गुस्सा हो जाता है और उस पे हाकाई से अटैक कर देता है, पर गोकू पर इसका कोई भी असर नहीं होता, जिसे देखकर फ्यूजन बहुत हैरान रह जाता है। फिर गोकू कहता है बस अब बहुत हुआ, मुझे लगता है तुम लोगों को ये सब अब भी मजाक लग रहा है। मैंने कहा ना ये अटैक्स मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। फ्यूजन बहुत कंफ्यूज रह जाता है और सोचता है इसने जो कहा कि ये ज़ेनोसामा से भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है शायद वो सच है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी मोर्टल पर हाकाई का असर नहीं हुआ। गोकू कहता है अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तभी फ्यूजन गोकू पर अटैक कर देता है। गोकू आसानी से डॉच कर लेता है। फिर गोकू उसे एक पंच मारता है और वो बहुत दूर जाकर गिरता है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है। फ्यूजन बहुत घबरा जाता है और सोचता है आखिर कैसे इस मोर्टल ने फिर से हमें सरपास कर दिया। फ्यूज करने के बाद भी हम इसे नहीं हरा पा रहे हैं। हमें शायद मान लेना चाहिए कि हम इसे नहीं हरा सकते। फिर गोकू उनसे पूछता है अब बताओ अब तुम लोग क्या करोगे? अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो मुझे बता सकते हो, लेकिन उम्मीद मत रखना कि मैं वो पूरा करूंगा। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, इस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करने के लिए तुमने मुझे मजबूर कर दिया। फिर फ्यूजन सोचता है हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हमें उस पर अपना हमला जारी रखना होगा, क्योंकि कायरो की तरह मरने से अच्छा है हम उससे लड़कर मरे। हम गॉड्स उसके सामने नहीं झुकेंगे। फिर गोकू कहता है अच्छा तो तुम ऐसे ही मरना चाहते हो, ठीक है फिर मरने के लिए तैयार हो जा। गोकू एक अटैक प्रिपेयर करने लगता है। फ्यूजन ये देखकर उस पे अटैक करने बढ़ता है। गोकू बहुत गुस्सा हो जाता है। वो अपना अटैक लॉन्च करने ही वाला होता है कि तभी उसे अपने पीछे कुछ फील होता है, इसीलिए गोकू अपने अटैक को कैंसिल कर देता है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो ज़ेनोसामा को देखता है। गोकू उसे देखकर बहुत हैरान हो जाता है। फ्यूजन ज़ेनोसामा को देखकर सोचता है ज़ेनोसामा ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? फिर ज़ेनोसामा फ्यूजन से कहता है तो तुम सब इसके जिम्मेदार हो, तुम सब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हो, तुम सब ऐसा कैसे कर सकते हो? ऐसी हरकत करने से पहले तुमने कुछ सोचा भी नहीं? फिर वो गोकू से कहता है गोकू तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? फिर गोकू उसे बताता है ज़ेनो मुझे टाइम चेंबर में लॉक कर दिया गया था जहां मैं ट्रेनिंग करने गया था, क्योंकि आप और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे इसीलिए। फिर ज़ेनो फ्यूजन से कहता है ये क्या कह रहा है, मैंने कहा था ना इससे ये इनसे दूर रहना, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। फिर गोकू कहता है ज़ेनोसामा इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफी हूँ। फिर ज़ेनो कहता है गोकू ये तुम क्या कह रहे हो, पनिशमेंट से मेरा मतलब इन्हें मारने से नहीं था, क्योंकि इनकी पोजीशन को होल्ड करने वाला कोई भी नहीं है, सिर्फ यही लोग है, इसीलिए मैंने इन्हें कभी खत्म नहीं किया। फिर गोकू कहता है ज़ेनो मुझे माफ करना, लेकिन इन्हें सबक सिखाने के लिए मेरे पास यही एक रास्ता है। फिर ज़ेनो कहता है गोकू माना कि हम दोस्त हैं, लेकिन ऐसा करने की इजाजत मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दूंगा। फिर गोकू कहता है अच्छा ऐसी बात है, तो लगता है मुझे तुम्हें भी मारना पड़ेगा। फिर ज़ेनो कहता है गोकू अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो मुझे तुम्हें मजबूरन खत्म करना पड़ेगा। गोकू कहता है अच्छा ऐसा क्या, तो लगता है मुझे पहले तुम्हें ही खत्म करना पड़ेगा। गोकू ज़ेनो को लड़ने के लिए चैलेंज कर देता है। ज़ेनो कहता है गोकू तुम्हें एहसास है कि तुम क्या कर रहे हो? गोकू कहता है ज़ेनो मुझे नहीं लगा था कि तुम बीच में आओगे और उनका साथ दोगे, लेकिन तुम ऐसा कर रहे हो तो मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। मेरा ऐसा करने का कोई इरादा तो नहीं था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। खैर मुझे अब तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है कि तुम इन बेकार गॉड्स को बचाने के लिए मारे जाओगे। हर समय चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं हो सकती। ज़ेनो तुम यहाँ पर सही गलत का फैसला नहीं कर सकते हो। तुम यूनिवर्स को संभालने का काम भी अच्छा से नहीं कर सकते। तुम तो अपने पद के लायक भी नहीं हो। गोकू की बात सुनकर ज़ेनो बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि आज तक उसे किसी ने भी ऐसा नहीं कहा था। तभी हम देखते हैं ज़ेनो का एक गार्डियन गोकू पर अटैक कर देता है। ज़ेनो कहता है तुम अब वो गोकू नहीं रहे जिसे मैं जानता था, अब तुम्हें खत्म करने में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इतना कह के ज़ेनो अपना हाथ उठा लेता है अपना टेक्निक यूज करने के लिए, जिससे वो सभी को इरेज कर सकता है। वहां सभी ये ध्यान से देख रहे होते हैं, सभी चुप ही थे। फिर ज़ेनो कहता है
मुझे चैलेंज करके उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अगर वो ऐसा नहीं करता तो शायद मैं उसे जिंदा छोड़ देता। ये सब उसकी बेवकूफी की वजह से हो रहा है। फ्यूजन ज़ेनोसामा को थैंक्स करता है। ज़ेनो डिसाइड करता है कि वो गॉड्स को पनिशमेंट नहीं देगा क्योंकि उस सिचुएशन में जो उन्होंने किया वो सब सही था। इसके बाद फ्यूजन ज़ेनो से रिक्वेस्ट करता है कि वो उन्हें अलग कर दे क्योंकि वो खुद से अलग नहीं हो पा रहा था। पर ज़ेनो कुछ कर पाता उससे पहले फ्यूजन के मुंह से खून निकलने लगता है। गोकू ने उसके छाती को चीर कर रख दिया था। सभी ये देखकर बहुत घबरा जाते हैं क्योंकि ज़ेनो के टेक्निक के यूज करने के बाद भी गोकू को कुछ भी नहीं हुआ था। फ्यूजन जमीन पर गिर जाता है और कहता है, वो अभी भी जिंदा है, ये कैसे हो सकता है? वो ज़ेनोसामा के अटैक से बच गया, लेकिन कैसे? इतना कह के फ्यूजन धीरे धीरे धूल बन जाता है। ज़ेनो बहुत शॉक्ड होके कहता है, गोकू तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और तुम मेरे टेक्निक से कैसे बच गए? फिर गोकू कहता है, तुम्हारे अटैक्स मेरा अब कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, समझे ज़ेनो? अब हमला करने की बारी मेरी है। ज़ेनो कहता है, अपना मुंह बंद रखो, और अपने गार्जियंस को गोकू पर अटैक करने के लिए कहता है। दोनों गार्जियंस गोकू पर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। दोनों के अटैक्स बहुत ही परफेक्टली टाइम थे, इसीलिए गोकू को शुरू में उनके अटैक्स से स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो अडेप्ट कर लेता है और उन्हें हरा देता है। फिर कहता है, ज़ेनो तुम्हारे पास एक अच्छा मौका था मुझे मारने का, लेकिन तुमने उसे बर्बाद कर दिया। इतना कह के गोकू ज़ेनो पर अटैक करने जाता है, लेकिन तभी ग्रैंड प्रीस्ट वहां आ जाता है और गोकू को रोक लेता है। तभी ज़ेनो कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें मुझे फॉलो करने से मना किया था ना? ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, ज़ेनोसामा मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी, इसीलिए मैं आपके पीछे आ गया, और ये गोकू अब पहले वाला गोकू नहीं रहा। मुझे नहीं पता कैसे, पर ये पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है। फिर ज़ेनो कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट तुम यहाँ से चले जाओ, मैं खुद ये संभाल लूंगा। ग्रैंड प्रीस्ट ज़ेनो की बात नहीं मानता। फिर गोकू कहता है, अच्छा तो अब तुम मुझसे लड़ना चाहते हो ग्रैंड प्रीस्ट? फिर ज़ेनो गुस्सा करते हुए कहता है, अभी के अभी वहाँ से हट जाओ ग्रैंड प्रीस्ट, वरना गोकू से पहले मैं ही तुम्हें खत्म कर दूंगा। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, वहाँ से हट जाओ, ये मेरा ऑर्डर है, समझे? ग्रैंड प्रीस्ट ज़ेनोसामा के लिए बहुत चिंता कर रहा था, इसीलिए वो उसके बातों को नजरअंदाज कर रहा था। फिर गोकू कहता है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है ग्रैंड प्रीस्ट, सबसे पहले मैं तुम्हें ही खत्म करूंगा। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, ठीक है गोकू, मैं अभी तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था मुझे तुमसे ऐसे फाइट करनी होगी। गोकू कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पहले तुम्हें खत्म करूंगा, उसके बाद ज़ेनो की बारी है। इतना कह के दोनों फाइट करने लगते हैं। दोनों के फाइट से इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि इसका असर सभी मल्टीवर्स में होने लगता है। ग्रैंड प्रीस्ट बहुत सीरियस होकर अपने पूरे ताकत के साथ फाइट कर रहा था। ग्रैंड प्रीस्ट गोकू पर अपने एक टेक्निक का यूज करता है जिससे गोकू पैरालाइज हो जाता है। फिर ग्रैंड प्रीस्ट गोकू पर ढेर सारे अटैक्स करने लगता है। हम देखते हैं गोकू काफी कंफ्यूज था कि ये सब क्या हो रहा है। गोकू की हालत धीरे धीरे काफी खराब होने लगती है ग्रैंड प्रीस्ट के हमले झेलते हुए, लेकिन फिर गोकू किसी तरीके से खुद को फ्री कर लेता है। गोकू फिर ग्रैंड प्रीस्ट को एक जोरदार पंच करता है जिससे वो बहुत दूर जाकर गिरता है और एक बड़ा धमाका होता है। पर ग्रैंड प्रीस्ट गोकू से ज्यादा सुपीरियर था, गोकू उसके अटैक्स को देख भी नहीं पा रहा था। गोकू ने कभी नहीं सोचा था कि ग्रैंड प्रीस्ट इतना ज्यादा ताकतवर होगा। फिर गोकू कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट मानना पड़ेगा तुम मुझसे ज्यादा स्किल्ड हो, अब मुझे अपनी आखिरी फॉर्म का यूज करना ही पड़ेगा। ग्रैंड प्रीस्ट शॉक्ड होके कहता है, क्या तुम्हारा आखिरी फॉर्म? फिर हम देखते हैं गोकू अपने पावर्स बढ़ाने लगता है। ये देखकर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम अपने पावर्स बढ़ा लोगे तो मैं तुमसे डर जाऊंगा? फिर हम देखते हैं स्मोक क्लियर होने के बाद गोकू का एक नया फॉर्म सामने आता है जो कि पहले से काफी ज्यादा ताकतवर होता है। उसके ताकत को सेंस करके ग्रैंड प्रीस्ट शॉक्ड हो जाता है। फिर गोकू कहता है, ये है मेरा आखिरी फॉर्म, मुझे इस ताकत को अचीव करने के लिए कई साल लगे हैं, तुम पहले होगे जिसके खिलाफ मैं इस फॉर्म का यूज कर रहा हूँ, और तुम बहुत पछताने वाले हो कि तुमने मुझे लड़ाई की चुनौती क्यों दी। ग्रैंड प्रीस्ट सोचने लगता है, ये नामुमकिन है, एक मोर्टल इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है? अगर मैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की बात करूं तो वो कुछ गिने चुने लोगों ने ही अचीव किया है, यहां तक कि मैं भी इस फॉर्म में बस दो ही बार पहुंचा हूं। फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, सोन गोकू तुम सभी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुके हो, इसीलिए तुम्हें मरना ही होगा। इतना कह के ग्रैंड प्रीस्ट गोकू पर तेजी से अटैक करने बढ़ता है, लेकिन वो गोकू को हिट नहीं कर पा रहा था। गोकू उसके अटैक्स को बहुत आसानी से डॉज किए जा रहा था। फिर गोकू कहता है, मान भी लो ग्रैंड प्रीस्ट मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक मोर्टल तुमसे ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। ग्रैंड प्रीस्ट
मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, तुम चाहो तो यहाँ से जिंदा वापस जा सकते हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा, बस मेरे रास्ते में फिर मत आना। ज़ेनो ये सब देख रहा था, फिर वो ग्रैंड प्रीस से कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना यहाँ से चले जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। फिर गोकू उससे कहता है, तो ज़ेनो सामा तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि तुम मुझे खत्म कर सकते हो? फिर ज़ेनो कहता है, तुम्हें खत्म करने के लिए मुझे अपनी आधी पावर्स का भी यूज नहीं करना पड़ेगा। इतना कह के ज़ेनो अपने गार्जियंस के पास पहुंच जाता है और उनके साथ मर्ज हो जाता है। इसके बाद ज़ेनो अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है। गोकू ये देखकर बहुत घबरा जाता है। फिर ज़ेनो कहता है, अब यही तुम्हारा अंत है सॉन गोकू, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ज़ेनो गोकू पर अटैक करना शुरू कर देता है और कुछ सेकंड्स के अंदर ज़ेनो ने गोकू पर बहुत सारे अटैक्स कर दिए थे। गोकू उन सभी को डॉज कर लेता है, लेकिन ज़ेनो ने अब तक अपने आधे पावर्स का ही यूज किया था। ज़ेनो सोचता है, अगर मेरे 50% पावर्स काम नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, मैं अपने 80% पावर्स का यूज करूंगा और फिर देखते हैं ये कैसे बचता है। इतना सोच के ज़ेनो अपने पावर्स इंक्रीज करने लगता है। गोकू को लगता है कि ज़ेनो अपने पूरे ताकत का इस्तेमाल करने वाला है, इसीलिए गोकू भी अपने पावर्स बढ़ाने लगता है और कहता है, तो ज़ेनो अब तुम इस लड़ाई को सीरियस ले रहे हो, लेकिन मैं बता दूं तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। ज़ेनो गुस्सा हो जाता है और बिना टाइम वेस्ट किए गोकू के पीछे पहुंच जाता है और गोकू को एक जोरदार पंच देता है, जिससे गोकू बहुत दूर जाकर गिरता है, जिससे एक बड़ा सा धमाका हो जाता है। गोकू उठ जाता है और कहता है, अगर मुझे हराना है तो ऐसे फालतू अटैक्स मत करो ज़ेनो सामा। इतना कह के गोकू तेजी से ज़ेनो पर अटैक करने के लिए जाता है। गोकू और ज़ेनो के फाइट से वहाँ बहुत भयानक चीज होने लगती है। ये गोकू और ज़ेनो समझ नहीं पाते हैं, पर ग्रैंड प्रीस्ट ये समझ जाता है और वो कहता है, ज़ेनो सामा आपको ये अभी और इसी वक्त रोकना होगा, नहीं तो वो चार सुप्रीम डेमन्स आजाद हो जाएंगे। ज़ेनो सवाल करता है, तुम्हारा मतलब क्या है? ग्रैंड प्रीस्ट समझाता है, आपकी लड़ाई की वजह से उस पोर्टल में क्रैक आने लगा है, जिसे बहुत सालों पहले सील किया गया था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो सभी आजाद हो जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उन्हें लॉर्ड ज़ालमा ने संभाले हुए था, लेकिन अगर वो लोग बाहर आ गए तो हमारी सारी उम्मीद खत्म हो जाएगी। तभी हम देखते हैं उस क्रैक में हलचल होना शुरू हो जाता है। ऐसा देखकर ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ेनो सामा उसे दोबारा बंद करने के लिए जाते हैं। उन दोनों को ऐसा करते हुए देखकर गोकू भी उनके पीछे जाता है। तभी हम देखते हैं उस पोर्टल से दो सुप्रीम डीमंस बाहर आ जाते हैं, क्योंकि क्रैक बहुत छोटा था इसीलिए सिर्फ दो ही डीमन बाहर आ पाए थे, बाकी के दो डीमन अंदर ही थे। फिर हम देखते हैं ज़ेनो सामा और ग्रैंड प्रीस्ट क्रैक को सील कर देते हैं, और फिर हम देखते हैं वो दोनों सुप्रीम डीमंस ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ेनो सामा के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, देखो गोकू तुमने ये क्या कर दिया, अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। फिर गोकू कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो, अगर तुम लोग मुझे अपोज नहीं करते तो ऐसा कभी होता ही नहीं। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, अपना मुंह बंद रखो सैयन, तुम्हारी वजह से सभी यूनिवर्स की जान दांव पर लगी है। इतना कह के ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ेनो सामा वहां से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं वेजिटा को, जो अर्थ के डिस्ट्रक्शन से पहले वहां से निकल गया था, वो प्लैनेट यारदात पे था और वहां ट्रेनिंग कर रहा था। यारदात के लोगों ने वेजिटा के लिए अर्थ के जैसा ही जगह बना दी थी जहां पर वेजिटा ट्रेनिंग कर रहा था। ये जगह बिल्कुल टाइम चेंबर जैसा था। वेजिटा भले ही दूसरे डायमेंशन में था, लेकिन वो उन दोनों डीमंस के पावर्स को महसूस कर पा रहा था। वेजिटा कहता है, क्या ये किसकी ताकत है? केकारोट के सामने ये दोनों बींग्स आखिर है कौन? इनके पावर्स की कोई लिमिट ही नहीं है, आखिर ये सब चल क्या रहा है? दूसरी तरफ गोकू उन दोनों डीमंस के सामने खड़ा रहता है। उनमें से एक डीमन गोकू से कहता है, हे तुम, आखिर तुम कौन हो? कहीं तुम ज़ेनो सामा के दोस्त तो नहीं? गोकू गुस्से में जवाब देता है, मैं किसी का भी दोस्त नहीं हूँ, उस ज़ेनो सामा का तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरा डीमन कहता है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हम काफी समय बाद आजाद हुए हैं, तो हमारा पहला शिकार तुम ही बनोगे मोटल। हे कामोरी, चलो जल्दी से इसका खेल खत्म कर दो। कामोरी कहता है, जैसा तुम कहो। फिर गोकू कहता है, तुम दोनों मुझसे लड़ना चाहते हो तो ठीक है, आ जाओ। गोकू सोचता है, मुझे संभल कर लड़ना होगा, मुझे नहीं पता इनके पास कैसी टेक्निक है। कामोरी कहता है, चलो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ मोटल, जितना हो सके उतना जोर लगाकर मुझ पर हमला करो, मैं वादा करता हूँ मैं बिल्कुल भी नहीं हिलूंगा। फिर हम देखते हैं गोकू इस डीमन पर अटैक करने लगता है, और हम देखते हैं कुछ ही सेकंड्स के अंदर गोकू ने उस डीमन की हालत बहुत ही बुरी कर दी थी। गोकू कहता है, मैंने जितना सोचा था ये उससे ज्यादा आसान है, तुमने तो मुझे बहुत निराश कर दिया। इतना कह के गोकू अपने पीठ पर
एक जोरदार पंच महसूस करता है जो कि उस डीमन का था जिसे गोकू ने थोड़ी देर पहले मारा था। गोकू देखता है उस डीमन के शरीर में जितने भी जख्म थे वो सब गायब हो गए थे। वो डीमन फिर से गोकू पर अटैक करने आता है लेकिन गोकू फिर से उसकी हालत खराब कर देता है, लेकिन वो डीमन हर बार रिकवर कर जा रहा था। गोकू बहुत कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि जितनी बार भी गोकू उसे जख्मी करता है वो उतनी बार खुद को हील कर ले रहा था। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो डीमन धीरे धीरे गोकू के पावर्स को एब्जॉर्ब कर रहा था। और फिर वो कहता है, इतनी ताकत काफी होगी तुम्हें मारने के लिए, मुझे अपने विरोधी के ताकत को एब्जॉर्ब करके उसे मारने में बहुत मजा आता है। और फिर हम देखते हैं गोकू अपने फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन से घट के अपने सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाता है। वो सोचता है, मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मैं इस फॉर्म में कैसे आ गया। फिर वो डीमन से पूछता है, आखिर तुम क्या कर रहे हो डीमन। वो डीमन कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, तुमने अपनी ताकत खुद मुझे दी, तुमने जितनी बार भी मुझ पर हमला किया धीरे धीरे तुम्हारी सारी ताकत मुझ में आती गई, ऐसा कुछ भी नहीं होता अगर तुम मेरे खिलाफ इतने पावर्स का यूज करते ही नहीं तो। गोकू कहता है, अपना मुंह बंद रखो, और फिर से डीमन पर हमला करने लगता है। गोकू और जोर लगाने लगता है और धीरे धीरे गोकू अपनी सारी ताकत खोता रहता है। वो डीमन कहता है, क्या बात है, इस मोर्टल के पास तो बहुत ज्यादा ताकत है लेकिन इससे ये इस्तेमाल करना बिल्कुल भी नहीं आता। फिर गोकू कहता है, तुम बेवकूफ डीमन, तुमने मेरी सारी ताकत छीन ली, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। वो डीमन कहता है, अब सब कुछ खत्म करने का वक्त आ गया है। इतना कह के वो डीमन गोकू के पीछे आ जाता है। गोकू बहुत घबरा जाता है, वो डीमन गोकू पर अटैक करने ही वाला था लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ वेजिटा आ जाता है। इससे कुछ देर पहले वेजिटा ये देख रहा था कि गोकू उन दोनों डीमन से फाइट कर रहा था लेकिन धीरे धीरे गोकू की पावर्स घट रही थी। वेजिटा सोचता है, आखिर ये क्या हो रहा है, केकरोट की ताकत अचानक घट क्यों रही है, नहीं ये नहीं हो सकता, केकरोट यहाँ पर नहीं हार सकता, लेकिन कैसे, केकरोट इतना ताकतवर हो चुका था इतना कि सभी गॉड्स के फ्यूजन भी उसे नहीं हरा पा रहे थे, मुझे लगता है मुझे वहाँ पर जाना ही होगा। इतना सोचकर वेजिटा गोकू के पास आ जाता है। वो डीमन वेजिटा से पूछता है, अब तुम कौन हो, तुम्हारे जैसे कीड़े की जरूरत यहाँ पर नहीं है, चले जाओ वरना तुम भी मारे जाओगे। इसके बाद वेजिटा कहता है, तुम बेवकूफ डीमन, तुम हमें नजरअंदाज करने की भूल मत करना, मैं हूँ प्रिंस वेजिटा जो कि तुम्हारे मौत का कारण बनेगा। कामोरी कहता है, तुम जैसा कमजोर मोर्टल हमारे जैसे डीमन्स का सामना कभी नहीं कर पाएगा, मैं तुम्हें मसल कर रख दूंगा। वेजिटा उस डीमन पर अटैक करने ही वाला था कि गोकू उसे रोक देता है और कहता है, रुक जाओ वेजिटा, उस डीमन पर हमला करने का कोई फायदा नहीं है, तुम उस पर जितना भी हमला करोगे वो सब एब्जॉर्ब कर लेगा और यही उसकी खास टेक्निक है। फिर वेजिटा कहता है, तो फिर हम इसे कैसे हराएंगे। गोकू कहता है, मुझे भी नहीं पता। फिर वेजिटा कहता है, केकरोट तुम सच में बेवकूफ हो, हम ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते हैं। फिर गोकू कहता है, वेजिटा उसने मेरी सारी ताकत ले ली है इसीलिए हम दोबारा ये बेवकूफी नहीं कर सकते हैं, नहीं तो वो और पावरफुल हो जाएगा। फिर वो डीमन कहता है, क्या हुआ मोर्टल, तुम तो मुझ पर हमला करने वाले थे ना, कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है। इतना सुनकर वेजिटा बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो उस पर हमला करने के लिए बढ़ जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ ही देर में वेजिटा की हालत भी गोकू जैसी हो जाती है। वो डीमन कहता है, हम पर हमला करने का यही नतीजा होता है मोर्टल, चलो अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है। तभी वेजिटा खड़ा हो जाता है और कहता है, हे केकरोट, क्या तुम्हारा हमेशा ऐसे ही पड़े रहने का इरादा है, उठ जाओ अगर तुम मेरे साथ देना चाहते हो तो, वरना मैं अकेले ही लड़ने जा रहा हूँ। फिर गोकू कहता है, क्या बात कर रहे हो वेजिटा, मैं तुम्हें अकेले इस फाइट का मजा लेने नहीं दूंगा। वो डीमन उन्हें देखकर बहुत चौंक जाता है और सोचता है, आखिर बात क्या है, ये दोनों फिर कैसे खड़े हो गए। फिर हम देखते हैं वेजिटा और गोकू फिर से अपने पावर्स बढ़ाने लगते हैं। गोकू अपने पावर के सेकंड स्टेज तक पहुंच जाता है और वेजिटा भी अल्ट्रा ईगो तक पहुंच जाता है। गोकू हैरान था और पूछता है, वेजिटा तुम वापस से इस लेवल तक कैसे पहुंच गए, और मैं तो ये सोचकर हैरान हूं कि तुम अब तक जिंदा कैसे हो। वेजिटा बताता है, केकरोट तुमने मुझे मार ही दिया था, लेकिन मैंने वक्त पर इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करके प्लैनेट यारदार्थ पर चला गया था। गोकू सवाल करता है, तुमने इंस्टेंट ट्रांसमिशन कब सीखा। वेजिटा कहता है, अभी ये सब बात करने का समय नहीं है, सामने देखो केकरोट, हमें उसे हराना है। फिर वो डीमन कहता है, अगर तुम लोगों की बातचीत खत्म हो गई हो तो क्या लड़ाई शुरू करें। गोकू कहता है, अपना मुंह बंद रखो डीमन, तुम्हारा वक्त अब खत्म हो चुका है,
वो डीमन कहता है, अच्छा चलो मैं तुम दोनों को एक मौका देता हूँ, मैं तुम्हारे ताकत को एब्जॉर्ब भी नहीं करूँगा, मेरी ताकत ही काफी है तुम्हें खत्म करने के लिए। ऐसा कह के वो तीनों फाइट करना शुरू कर देते हैं। शुरू शुरू में गोकू और वेजिटा पर वो डीमन हावी होने लगता है, लेकिन धीरे धीरे गोकू और वेजिटा के अटैक्स का टाइमिंग परफेक्ट होने लगता है, जिससे वो डीमन को ओवरपावर करने लगते हैं। और देखते ही देखते डीमन की हालत बहुत खराब हो जाती है। और फिर वेजिटा कहता है, क्या हुआ डीमन, क्या तुम्हारी ताकत बस इतनी ही थी, मुझे तो तुम पर बहुत हंसी आ रही है। ऐसा कह के वेजिटा उस डीमन पर अपना फाइनल फ्लैश कर देता है, लेकिन अगले ही पल वो अटैक गायब हो जाता है। और वो लोग देखते हैं कि उस डीमन ने अटैक को एब्जॉर्ब कर लिया था, और ऐसा करने की वजह से वो डीमन पूरी तरह से हील हो चुका था। वेजिटा गुस्सा होकर कहता है, बेईमान डीमन, तुमने कहा था तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। गोकू कहता है, जाने दो वेजिटा, वैसे भी डीमन से झूठ ही उम्मीद किया जा सकता है। वेजिटा कहता है, लेकिन हमें उसे हराने का कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। गोकू और वेजिटा बात कर ही रहे होते हैं, तभी वो डीमन अचानक से उनके पास आ जाता है और अटैक कर देता है। लेकिन वो बीच में ही रुक जाता है, क्योंकि ग्रैंड प्रीस्ट और जीनोसामा अचानक से वहां आ जाते हैं।